आसमान जो प्रोग्राम जवाब खपे सा गन मा है इम्तियाज मीर। कोरोना वायरस सिंध जी हिकमत अमली बेहतर आहे यो तासुर हुयो है उन सा गड मुल्क जे अंदर कोरोना जा मरीज वधंदा पया वनन ए उन सा गड 18th अमेंडमेंट ए 18th अमेंडमेंट खा पो फिरदौस आशिक अमान साहिबा ए उन के चेंज कियो वया शिबली फराज साहिबा फराज साहब जड़े तरीके सा उनके प्लेस कियो वया आसिम बाजा साहब के भी आंदो वयो आए नई टीम आई आए हाँ यो चयो पियो वने त छाजे करे त फिरदौस आशिक अमान जेकी हुई यो तहरीक इंसाफ जो फेस ना है ए उनके तब्दील कियो वयो आए उन वक्त जिन्हें मुख्तलिफ इशूज हुआ इन वक्त उनके तब्दील कियो वयो आए इल्ज़ाम करप्शन की गाल कई वही है मुख्तलिफ शयूं मार्केट के अंदर आन पर यो वजीर आजम जो अख्तियार है का नई टीम नवा मानू काबीना के अंदर तब्दीली आने सके तो उनको अख्तियार पंजी में दावत दिनी है फिजाज जीशान साहब तहरीक इंसाफ जी रहनुमा है प्रेसिडेंट ऑफ कराची जी मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। उसी के साथ डॉक्टर फौजिया हमीन साहबा पीएसपी के सीनियर रहनुमा है एमएनए रह चुकी हैं मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। इस वक्त टीम को चेंज करना और अचानक इतनी बड़ी तब्दीली लाना और नए चेहरे लाना क्या ज़रूरत थी इस टाइम इनको चेंज करने की? देखिए वज़ीर आज़म की सवाबदीद पे है वो अपनी टीम को शफल कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं उसमें हम लोगों को सबसे इस वक्त अहम बात ये थी कि हम लोगों ने इस वक्त मुल्क के और बेहतर तरीन मुफाद में ये फ़ैसला किया गया है। शिबली फराज साहब जो हैं वो एक बहुत अच्छा फेस है उनका एक्सपीरियंस भी है इस वक्त वो और फिर उसके बाद आपको पता है कि आसिम सलीम बाजवा साहब और क्योंकि ISPR DGISPR रहे हैं और उनको पता है कि उन्होंने किस तरीके से करना है। इससे पहले वो आपको पता है इससे पहले नहीं CPAC में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही है इवन कोरोना का अफेक्ट CPAC पे नहीं उन्होंने आने दिया उसके परफॉर्मेंस लेवल जो है उनका बड़ा ज़बरदस्त रहा है। तो आई थिंक इज़ अ बेस्ट चॉइस कि जो इस वक्त इन्होंने जो टीम अब लेके आए हैं सामने खान साहब वो टीम अपने इस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी अभी आप सोचें कि अभी ये दिन अभी शुरू हुआ है तो इसमें अभी उनको ये दे दिया गया कि उन्होंने तमाम तर फोरम्स के ऊपर मसला कश्मीर को भी प्रॉपरली उठाना है और उनको इनको उनको उनकी प्रॉपर टास्किंग कर दी गई है बाजवा। लेकिन इस टाइम अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो तभी इनको लाया गया, नाकाम गई है तो तभी लाया है ना? हाँ जी बिल्कुल ना हो कोई ना कोई इशू उनके साथ हुआ होगा जिसकी वजह से उनको चेंज किया गया। तो जाहिर है हमने के देखे हम लोगों ने परफॉर्म करना है हम ये तो नहीं कि हमको शख्सियत परस्ती करते हैं अगर कोई परफॉर्म नहीं करेंगे लोग तो उनको जाहिर है चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब इस टाइम टीम को लाना और इस टाइम तब्दील करना और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मैं उनको एक दफ़ा इन करवा दूँ उरूज रजा साहिबा इनके इनकर पर्सन है जर्नलिस्ट हैं। उरूज साहिबा मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर साहिबा की तरफ जाऊँगा उसके बाद आपकी तरफ लाऊंगा आऊंगा। डॉक्टर साहब इस टाइम जो है उनको चेंज करना अहलियत नहीं थी परफॉर्मेंस नहीं थी और उनको तब्दील करना इससे पहले खुसरो बख्तियार साहब उनके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस थे उनको तो अच्छी मिनिस्ट्री दी गई उनको तब्दील नहीं किया गया इनको क्यों तब्दील किया गया? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इम्तियाज़ साहब सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आज का एक फ़ैसला आया है इसमें एक चीज़ तो अच्छी है कि शिबली फराज साहब को जो है मुंतखब किया गया है वो एक बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं और मैं ये समझती हूँ कि ये क्या खान साहब को पहले नज़र नहीं आए थे और आपने एक नॉन इलेक्टेड नुमाइंदे को लेके आए जिन पे ऑलरेडी इतने ज़्यादा एलिगेशंस थे और बहुत दफ़ा आप ही के टॉक शो में हमने बैठ के कहा कि खान साहब को चाहिए कि अपनी कैबिनेट को देखें कि उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं और जो कैबिनेट में लोग बैठे हैं जिन पे एलिगेशंस हैं तो उनको सेलेक्ट क्यों किया गया है या अलेक्ट क्यों किया गया है ये भी एक सवालिया निशान है। तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा पहले भी इनके बारे में मैं इतनी गहराई में नहीं जाना चाहती सबको पता है मीडिया को पता है आपको यहाँ पता है लेकिन इस वक्त एक बड़ी बात यह है जो सवालिया निशान आ रहा है कि एक ही मिनिस्ट्री में आपने दो लोगों को बिठाया है इससे PTI की परफॉर्मेंस जो है वो सामने आ रही है ये नाकाम हो चुके हैं।
और आसिम बाजवा साहब की अगर हम बात करते हैं, एक डायनेमिक पर्सनालिटी जिनका एक अपना एक एक्सपीरियंस है, उनको ये लेके आए, तो क्या इनके पास कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था कि अकेले उस मिनिस्ट्री को वो जो है उसको संभाल सके? ठीक है, तो इसमें नाकाम हो चुकी है पीटीआई की गवर्नमेंट। ठीक है, मैं आऊंगा। उरु साहब, आप क्या कहेंगी इस टाइम चेंजेस लाना, रीशफल करना और शिबली फराज को लाना, बाजवा साहब को लाना, और इन दोनों में पावरफुल कौन होगा, क्या कहेंगी? थैंक यू मीर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में अपने चैनल पे मुझे इनवाइट किया। ये जो टाइमिंग है इम्पोर्टेंट भी है, और जैसा अभी आप और डॉक्टर साहिबा बात भी कर रहे थे, देखें पीटीआई में जब से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में जब से तब्दीलियां शुरू हुई हैं, तब्दीली की गवर्नमेंट जब से आई है तब से ही तब्दील हो रही है ये जो मिनिस्ट्री है। इसमें एक मिनिस्टर आता है, ज्यादा अरसा टिक नहीं पाता तो दूसरे की जगह बन जाती है, और दूसरे को जब ये देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स नहीं है तो उसको भी चेंज कर दिया जाता है। फवाद चौधरी साहब एक अच्छा इजाफा थे और वो अच्छे मिनिस्टर भी हैं, अभी भी अपनी मिनिस्ट्री में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थे तो वहाँ पे जो एमडी पीटीवी थे उनके साथ उनके जो इख्तलाफात थे या फिर कुछ और जो पीटीआई के इंटरनल जो लोग थे उनके साथ, जिस वजह से उनकी मिनिस्ट्री को चलने नहीं दिया गया, तो उनको फिर किसी के कहने पे रिमूव करके फिर जो है दूसरे लोगों को लाया गया। डॉक्टर साहिबा जब आई हैं तो डॉक्टर साहिबा का देखें आज बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात कही, डॉक्टर साहिबा ने उन्होंने कहा कि अभी मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया कि जी मैंने 10% कमीशन की वजह से मुझे निकाला जा रहा है, लेकिन वो लोग अभी तक अपने ओहदों पर बरकरार हैं जिन्होंने अरबों की करप्शन की है। तो मैं आपको बताऊं कि पीटीवी में इतनी करप्शन है, इतनी करप्शन है, और जहां पे बहुत ज्यादा करप्शन होती है वहां पे किसी एक शख्स का टिकना बहुत मुश्किल है। अगर दूसरी जानिब आसिम सलीम बाजवा साहब को लाया गया है तो मुझे लगता है कि वो करप्शन कंट्रोल करने के लिए ही उनको लाया गया है, वो मुआवने हसूसी होंगे, और ये पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन या पीबीसी होगा, फिर रेडियो पाकिस्तान जितने हैं, पीआईडी के डिपार्टमेंट जितने हैं वहाँ पे, हम लोग तो इस्लामाबाद बैठे हैं ना, हमें तो पता है यहाँ पे किस तरह काम होता है और किस जराए से ये काम होता है, तो वहाँ पे करप्शन को रोकने के लिए एक सियासतदान जो है वो काफी नहीं है। शिबली फराज जो है वो माशाल्लाह बड़े सुलझे हुए खानदान के और इंतहाई सुलझे हुए सियासतदान है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इन लोगों के ऊपर हाथ डाल सकेंगे या फिर उनको ये लोग चलने देंगे। वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में या फिर निचले लेवल पर आप सिर्फ पीटीवी को ही देख लें, पीटीवी में आप मुझे बताएं क्या खास बात है पीटीवी में, वही जो चंद चेहरे हैं जो मंजूरे नजर होते हैं हर हुकूमत के वही बैठे होते हैं, तो बात यह है कि वहां पे इतनी लॉबिंग है कि वो मिनिस्टर तक को खा जाती है वो लॉबिंग। तो अभी मुझे ये लगा है कि शायद इमरान खान ने ये फैसला कर लिया था कि इस बार किसी पावरफुल पर्सन को लाया जाए जिससे कम से कम इदारे जो हैं वो स्टेबल हो जाएं, करप्शन जो है उसके ऊपर हाथ डाला जाए, और फिर उस पावरफुल पर्सनैलिटी के जरिए दुनिया को एक जो इमेज हम पेश करते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कर रही होती है, पूरी दुनिया को वो डील कर रही होती है, तो एक अच्छा फेस, एक कॉन्फिडेंट, एक पढ़ा लिखा, इंतहाई सुलझा हुआ जनरल रिटायर्ड अगर आ रहा है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इससे पहले भी आप देखें कि हम जनरल अब्दुल कादिर बलोच को भूल जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, हम सेनेटर अब्दुल कयूम जो वो भी जनरल थे उनको भी भूल जाते हैं, माजी में बहुत सारे जनरल रहे, इवन इंटीरियर मिनिस्टर वो भी जनरल ही थे। ठीक है, ये चीजें आपने कही, एक दो चीजें और भी, आप जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में बैठी हैं, इनका पर्सन है, मारूफ है इनका पर्सन है, आप चीजें देखें, 18th अमेंडमेंट को लाया गया है दोबारा डिस्कशंस में, कोरोना के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपके सामने, जिस तरह लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया है, केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं, सब इसका जिम्मेदार ये स्मार्ट लॉकडाउन है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो बहुत सारे कंट्रीज ने फॉलो किया है, क्योंकि आप किसी को कारोबार बंद करके घर में नहीं बिठा सकते, और
कोरोना से तो वो बच जाएंगे लेकिन भूख अफलास से वो मर जाएंगे। और दूसरी जानब देखें, जहाँ पे लॉकडाउन जरूरी था, जहाँ पे बच्चों का, यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस और स्कूल्स का, या फिर बैंक्स का, जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज्यादा है, वो अभी भी बंद है। लेकिन जो स्मार्ट लॉकडाउन है, ये सिर्फ कारोबारी लोगों के लिए कि कम अज कम वो अपना रोजगार कमा सके। मेरा ख्याल है इस मामले में मैं हुकूमत के साथ हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। हाँ, उन आवर्स को जिनमें जो स्मार्ट लॉकडाउन ऑब्जर्व किया जा रहा है, उन आवर्स को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाए, एसओपीज को फॉलो किया जाए। और लोगों को इंडिविजुअल खुद भी अब समझना चाहिए, बच्चे तो नहीं है, खुद समझना चाहिए कि अपनी जान के और दूसरों की जान के वो रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वो खुद थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे, जो कि हमारा निस्फ ईमान भी है, तो बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे और लोग गुर्बत से मरने से भी बच जाएंगे। रही बात कोरोना की, तो मैं आपको बताऊं, कोरोना में हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने ही है। मैं कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो बड़ा हेल्पफुल है। कोरोना के जो केसेज हैं वो इसीलिए थोड़े से बाकी दुनिया की निस्बत कम रिपोर्ट हुए, एक तो ये वजह वेदर थी, दूसरा ये कि हमारे पास टेस्टिंग किट्स ही ना होने के बराबर है, तो बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो अभी तक टेस्ट ही नहीं हुए। लेकिन लोग ये है कि इम्यून सिस्टम अच्छा है, बीमार होते हैं तो ठीक भी हो रहे हैं। तो हुकूमत जो है, आप ये देखिए इनकी क्या तैयारी थी, एनडीएमए इतना पुराना इदारा है, क्या तैयारी थी। और अभी भी अगर कोई काम कर रहा है, अगर ये जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बना है तो ये काम शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो हुकूमत है ये आर्मी के बगैर कुछ कोई काम ही नहीं कर सकती, तो ये भी एक चीज है। बाकी उनके जो अपने लोकल अरेंजमेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। लोकल अरेंजमेंट्स में मैं सल्यूट पेश करती हूँ सिविल सोसाइटी को, इंडिविजुअल लोगों को जो खुद आए और रजा कर। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी उरूज साहब, बड़ी मेहरबानी। नजरी ब्रेक का टाइम है, नजरी ब्रेक जो टाइम थी ब्रेक हम पोता आ फिजा साहब। वेलकम। हाँ, कि लॉकडाउन वो कह रहे हैं कि अच्छा भी है, सही भी है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना एक ऐसी चीज़ है जिसका एक्सपीरियंस, इस तरह के वायरस का एक्सपीरियंस इससे पहले दुनिया में किसी को नहीं था। हमारे तो एक तरक्की पजीर मुल्क है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक भी हैं वहाँ, वो उन लोगों को भी, उनको भी समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल करें। कभी वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का होता है, इवन वहाँ के लोग बाहर निकल आए प्रोटेस्ट करने के लिए कि हम काम करना चाहते हैं, हमें बाहर निकलने दिया जाए, क्योंकि वो भी अब कितने अरसे तक आप एक चीज़ को, लॉकडाउन को कितने अरसे तक चला सकते हैं, ना कि हमारी मईशत जो कि इसकी बिल्कुल मुतहमिल ही नहीं है कि हम लोग कितने अरसे तक लोगों को राशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हालाँकि सबसे ज़्यादा इस वक्त हमारी गवर्नमेंट को मैं सलाम करती हूँ कि जिन्होंने जिस तरीके से रोज़ के रोज़ नई चीज़ें हो रही हैं। आज छोटा कारोबार इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया, जो 75 अरब रुपये हैं जो इन लोगों को दिए जाएंगे जो मुतासिर हैं उसे, उस कारोबार से मुतासिर हैं। इसके अलावा जो कैश रिलीफ पैकेज है वो सबसे ज्यादा सिंध में दिया गया, ऑल टुगेदर 68 अरब से ऊपर बढ़ चुका है। और उसमें हमारा कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई MNA, कोई MPA, कोई भी नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा। इसकी ट्रांसपेरेंसी आप चेक कर लें, इसकी आप तरीकाकार चेक कर लें, आप ये देख लें कि ये डायरेक्ट लोगों तक पहुंच रहा है। उसमें हम ये नहीं देख रहे खुदा ना खास्ता कि कोई PTI के लोग हैं या पीपल्स पार्टी के लोग हैं या कहाँ के लोग हैं। इस मतलब इतनी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस इस मामले में है। उसके अलावा आप पंजाब में हमारी हेल्थ मिनिस्टर को काम करते देख लें, आप सिंध की हेल्थ मिनिस्टर को काम करते देख लें कि वो कहाँ गायब हैं। इन लोगों के तो आसिफ अली जरदारी कहाँ गायब हैं, ये लोग सब किधर गायब हैं। आपको लॉकडाउन कहीं स्मार्ट लॉकडाउन भी कहीं नजर आ रहा है? डॉक्टर साहब सही बताएं आपको, अगर लॉकडाउन होता तो गवर्नर को ये कोरोना लगता? अगर वो फॉलो करते सोशल डिस्टेंसिंग को तो उसको होता, क्या कहेंगे? दुआगो हम सब हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे, हमारी दुआएं। अच्छा काम कर रहे थे और अल्लाह मियां हमारे मुल्क को इस वबा से बचाए, आमीन। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इंसानियत पूरी सबको, ये सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो है ना, हम लोगों को जो मेंटल लेवल है वो सियासत से आगे जाता ही नहीं है ना। आपको इंसानियत की खिदमत करनी है, अगर आप ये सोच लें कि आपने मिनिस्टर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, सैयद अवेश शाह साहब सूबाई वजीर हैं ट्रांसपोर्ट के, हमारे साथ हैं। सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, टाइम लेनो। डॉक्टर फौजी आमीन साहिबा, PSP रहनुमा, MNA रही चुकी हुआ है,
ऐं फिज़ा ज़िशान साहिबा उहा बि वेठी आहे, तव्हांखे वेलकम सभु चऊं था असांखे। शाह साहब, लॉकडाउन जी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे, केसिस जी सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे, वज़ीर चेंज थिया, फिरदोस आशिक़ अमान तव्हांजे साम्हूं सूरत हाल आहे, कहिड़ी तरफ़ असां वञूं था, शाह साहब छा चवंदव? ॾिसो इम्तियाज़, इन में को शक कोन्हे त अॻे इहा शइ ॾिठी वेंदी त चयो वेंदो सियासी हल्क़नि में त असांजो वज़ीर आज़म पावरलेस आहे ऐं उन वटि अकुल कोन्हे, पर हाणे हिकु शइ वाज़े थी वई आहे त अकुल सां गॾु गॾु हुन वटि इख़्तियार बि कोन्हे, हुन वटि इख़्तियार आहे ई कोन्हे हिन शइ जो त वज़ीर कंहिंखे रखिणो आहे कंहिंखे न आहे रखिणो। हिननि वीहनि महीननि जे पूरे थियण ताईं हिननि खे अञा 20 महीना थिया आहिनि, 2 साल बि पूरा न थिया आहिनि, 15-16 दफ़ा मुख़्तलिफ़ नंढियूं वॾियूं तब्दीलियूं काबीना में थी चुकियूं आहिनि। ॿी का मुबारकबाद वज़ीर आज़म साहब खे ॾिजे न ॾिजे, हा हुननि 50 कई आहे पंहिंजी काबीना जी, इहा मुबारकबाद ज़रूरु हुननि खे ॾिजे। चवनि था त फिरदोस आशिक अवान करप्ट हुई, हुन जी करप्शन जी ॻाल्हि थी, सोशल मीडिया ते आई, हुनखे हटायो वियो। छा बींग पाकिस्तानी इहो कंहिंजो असांजो हक़ न आहे त असांखे इहा ख़बर पए त हुन कहिड़ी करप्शन कई, तव्हां हुनखे कहिड़े तरीक़े सां खणी आया आहियो, काई ख़बर न हुई, कहिड़े तरीक़े सां तव्हां हुनखे स्पेशल असिस्टेंट कयो, कुझु ख़बर न पई, हाणे कीअं हली वई, इहो बि मामिलो मुबहम आहे। हाणे ॾिसो इन्हनि शयुनि खे वज़ाहत हिननि जी घुरिजे। हिन वक़्तु वज़ीर आज़म साहब खे घणियूं शयूं लिकाइण लाइ इहे मसला करणा था पवनि। फ़र्ज़ु कयो, मां तव्हांखे हाणे पहिरियों ॿुधायां थो, जे हिकिड़ो मिसाल, इहो पहिरियों हिकिड़ी हली पियो स्कैंडल इन जो खंड जो अटे जो, ठीकु आहे, इहो लिकाइणो आहे। उन खां पोइ हुननि खे हाणे नओं नओं शोशो 18th Amendment जो यादि अची वियो आहे त हाणे ॿियनि शयुनि तां ध्यानु हटाइण लाइ 18th Amendment ते बि हाणे ई डिस्कशन थियणु घुरिजे। वरी हाणे हुननि खे नैब लॉज़ जी बि ज़रूरत पइजी वई आहे त नैब लॉज़ खे बि अमेंड कयो। छा हिन वक़्तु इंक्वायरी हले पई, उन्हनि खे तव्हां हफ़्तनि जो टाइम पिया ॾियो, तव्हां करप्ट माण्हुनि खे पाण सां गॾु रखी हुननि खे प्रोमोट पिया कयो, वरी तव्हां उन खां पोइ नैब लॉ में बि अमेंड पिया कयो? छा ईअं त नथो लॻे त उहे एम्पायर जिन्हनि 2018 में तव्हांखे बेनिफिट ऑफ डाउट ॾिनो, अॼु उन्हनि जो शक तव्हां ते पको थी वियो आहे ऐं तव्हांखे इहो लॻे पियो त तोबुनि जा रुख हाणे तव्हां ने फिरण वारा आहिनि, इनजे करे नैब लॉ में अमेंडमेंट पई थिए? हीउ वक़्तु इन शइ जो कोन्हे, हीउ वक़्तु अकुल इस्तेमालु करण जो आहे ऐं हिकिड़ो हिन वक़्तु असांजे मुल्क खे ज़रूरत आहे त सभु गॾिजी करे हिन वबा सां फाइट कयूं, हिन वबा जे अगेंस्ट गॾिजी सभु हिकिड़ी नेशन थी पियूं, जीअं चाइना हिन सां हिन वबा सां मुंहुं ॾिनो आहे। हिन वक़्तु उन्हनि खे खपे त पंहिंजे चीफ मिनिस्टर साहिबान खे ऑन बोर्ड करनि, हुननि जा मसला ॿुधनि त हुननि जे सूबनि में कहिड़ा कहिड़ा मसाइल दरपेश आहिनि। ठीकु आहे, असां सिंध सूबे जो इहो ॾोह आहे त हिते मुंहिंजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जी पार्टी जी हुकूमत आहे ऐं मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर आहे, ठीकु आहे, इहा असांजी वॾी ग़लती आहे, पर असां पाकिस्तानी आहियूं, असां पाकिस्तानी आहियूं, हू मञनि या न मञनि, पर वज़ीर आज़म असांजो इमरान ख़ान आहे, असां मञूं था। इहो मञी करे ई असांखे पंहिंजो सूबो सम्झी करे ॿुधनि मुराद अली शाह जी त हेॾो सुठो कमु करे रहियो आहे ऐं असां हुनजी मदद कयूं त जीअं वबा सां फाइट करे सघूं। 2/3 majority न आहे, तरमीम नथा करे सघनि सर। जी ॾिसो, मां त हिन तरमीम ऐं 2/3 majority जे तरफ़ वञण ई न पिए चाहियो, तव्हां मूंखे त इहे शयूं ॿुधणु चाहियो था त इहे तमामु वॾी डिबेट आहे, इहे तव्हांजी 10 मिंटनि जा हिकिड़े कलाक जी सर थी नथो से, मुमकिन ई न आहे, उहे त ॻाल्हि करे सघनि था पर मुमकिन ई न आहे, पॉसिबल न आहे, मुमकिन न आहे, पर हिन मुल्क में उहे शयूं मुमकिन थी वियूं आहिनि जेके नामुमकिन हुयूं। ॾिसो, इमरान खान जो बि वज़ीर आज़म थियणु मुमकिन ई न हुयो, पर उहो बि त मुमकिन थी वियो न राति जे अंधेरे में, सुबुह जे ताईं सुबुह ताईं उन्हनि माण्हुनि खे बि ख़बर कोन हुई त जंहिं ज़िंदगी में कॾहिं काउंसलर बि न थिया, जिन खे होश बि कोन हो, त कॾहिं ज़िंदगी में काउंसलर थींदासीं किथां, उहे MNAs MPAs बणिजी विया। ॾिसो, इहा बि त हिन मुल्क में ई थियो आहे, हिन मुल्क खां ॿाहिरां त उहे माण्हू कोन आया आहिनि, फ़रिश्ता त कोन्हनि। इहे बेनिफिट ऑफ डाउट मां कंहिंखे चयो जेको हिननि खे 2018 में मिलियो? हिन वक़्तु छो ज़रूरत पई आहे नैब ऑर्डिनेंस खे तव्हां तरमीम था कयो? कहिड़ी ज़रूरत आहे हिन वक़्तु 18, तव्हां छा सम्झो था त 18th Amendment ते कुझु ॻाल्हाईंदव, 18th Amendment में का हेरा फेरी कंदव ऐं बाक़ी अपोज़िशन जमातूं चुप करे वेंदियूं? कोई चुप करे वेहे त पीपल्स पार्टी रिएक्शन ॾींदी? पार्टी कॾहिं चुप न थींदी, सभु सियासी जमातूं रिएक्शन ॾींदियूं, कॾहिं को कॉम्प्रोमाइज़ न कंदी 18th Amendment ते, कॾहिं कॉम्प्रोमाइज़ न थींदो, सिंध रिएक्शन ॾींदी? असां बिल्कुलु हर उन हद ताईं वेंदासीं जेको असांजो पॉलिटिकल राइट आहे, असां पंहिंजे सूबे जी ख़ुदमुख़्तारी खे बचाइण लाइ हर उहो क़दम खणंदासीं जेको असांजो हक़ आहे। वॾी महिरबानी शाह साहिबु, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो। एक रिएक्शन आएगा, बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा कि अगर इस चीज़ को छेड़ा गया, क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? देखिए, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूँ कि जब ये कोरोना आया है तो हमें अपनी कैपेसिटी का पता था, हमें यह पता था कि हमारे पास कितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और हमारा मेडिकल सेक्टर कितना जो है एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास मौजूद है, हमारे पास कुछ नहीं था।
तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि आपने लॉकडाउन करना था और आपके पास एक नेशनल पॉलिसी आ जानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वफाक और सूबे वो एक स्टेज पे नहीं थे और जिसकी वजह से कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हुआ और आवाम कन्फ्यूज़ रही और जिसकी वजह से ये जो अब आपने देखा ना कि जो केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं और यहीं के लोगों के साथ से केसेस, आपने वफाक में पॉलिसी कुछ और चल रही है और सूबे में पॉलिसी कुछ और चल रही है, यहाँ डिज़ास्टर हुआ है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि एक टाइगर फोर्स की बात, बहुत अच्छी बात है कि लेकिन हमारे पास ऑलरेडी जो चीज़ें मौजूद थी हमें उन्हीं पे करना चाहिए था, उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए था, नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए थे। आपके पास 85,000 के करीब लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे मौजूद थे, आपने ये काम उनके जिम्मा कर देते। आप जब देखेंगे बाकी मुल्कों में भी जो ये काम हुआ है वो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने किया है, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद अब सिंध गवर्नमेंट की बात हम जब करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट की शुरू में बज़ाहिर बहुत अच्छी रही, इनकी कारकर्दगी अच्छी रही, सीएम साहब ने हर जगह खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेकर काम किया और मैंने भी ये बात 12 दफ़ा कही कि जो वफाक की जो है उनकी इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी, उनके इतने पुअर डिसीजंस थे, इतने वीक डिसीजंस थे कि जिनकी वजह से हमें पीपल्स पार्टी की तारीफ़ करनी पड़ रही थी क्योंकि उनकी एज़ कम्पेयर टू वफाक पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही थी ना। तो उसमें इन्होंने जो लॉकडाउन की बात की कि जी हम टोटल लॉकडाउन की बात करते हैं, वो लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हुए हुए थे। अगर ये लॉकडाउन उस वक्त कर देते तो इस वक्त केसेस ना आते। आपके पास 2,500 जो है वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स अभी नहीं आ सकते इसलिए कि उसके लिए आपको एक्सपीरियंस अमला चाहिए होता है। जब आपके पास चीजें ही नहीं थी तो वजीर आजम साहब उसके साथ एक चीज डॉक्टर साहब माननी पड़ी, मैशियत, गुर्बत, डेली वेजेस, अगर इतना लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन, एक लॉन्ग टर्म पे लॉकडाउन, क्या हम इसके मुतमिल हो सकते थे? देखिए उसमें ये चीजें तो आपके ज़हन में डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं एज अ डॉक्टर, मैं आपको बताऊंगी आपके पास एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी और एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ये है कि आपका स्मार्ट लॉकडाउन हो और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी आपके टोटल लॉकडाउन होना चाहिए था, उसके बाद आप चीज़ें खोलते जाते। और मईशत की जहाँ तक बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान ज़िंदा रहेंगे तो मईशत चलेगी ना। और दूसरा ये है कि राशन प्रोवाइड करें, फूड प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट का क्या काम है? इतने रिसोर्सेज हैं, देखिए चाइना के पास और हमारी मईशत नहीं, आई एम नॉट कंपेयरिंग चाइना विद पाकिस्तान, चाइना हमसे बहुत आगे है। जब मैं आपको, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगी कि पीएसपी के पास एक जो है ना एमपीए है, ना एमएनए है, ना कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है, लेकिन हमने पीएसपी फाउंडेशन के तहत हमने जितना काम किया है, हमने लोगों के घरों में जाके राशन दिया, अपनी मदद आपके तहत हमने उनके घर खाना पका हुआ, सब्ज़ियाँ, गोश्त, क्या या हम लोग अगर कर सकते हैं तो क्या गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं है? नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थी, आप ब्रेक खा पू फिजा साहब। वेलकम। हाँ, कुछ जवाब दे रही थी, उन्होंने कहा है कि आपकी पॉलिसीज, आपकी सियासत जो सेम पेज पे पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग, सारे सूबों को एक साथ लेके चलना, वो चीज़ नज़र नहीं है, नाकामियां नज़र आती हैं, कामयाबियां नज़र नहीं आती। फिजा साहब जी, डॉक्टर साहब, तो मैं पहले एक बात का जवाब देना चाहूँगी कि जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया कि बल्दियाती इदारों में दूसरे मुल्कों ने बल्दियाती इदारों से वो फ़ायदे उठाए हैं और उन्होंने किया है, तो हमारे बल्दियाती इदारों का तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, वो लोग तो बिल्कुल गायब हैं। सिंध में आप पता करें, जब आप अभी ये कोरोना नहीं भी चल रहा था तो आप पता करें तो हर जगह पर बल्दियाती नुमाइंदे तो हमारे सबसे पहले गायब होते हैं, एक बात। तो और दूसरी बात यह कि अगर हमने टाइगर फोर्स बनाई थी और उसमें यह कोई पाबंदी नहीं थी कि यह कोई पीटीआई की है या कोई इसमें इस तरह की कोई बात है, तो उसके लिए इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया जो हम इनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, चाहे आप लोग कोई बंदा खुदकुशी कर लेता है लड़काना में, लेकिन क्योंकि टाइगर फोर्स का नाम इनको पसंद नहीं है इसलिए ये लोग उसको राशन नहीं प्रोवाइड करेंगे जी। तो बिल्कुल यही कहूंगी कि जब ये लोग इस तरह करते हैं, हालांकि हम लोग तो इस चीज को ठीक करना चाह रहे थे। डॉक्टर साहिबा की दूसरी बात थी कि क्यों ये एक पेज पे नहीं है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उसमें
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो 18वीं तरमीम है ये फिर दरमियान में दोबारा आ जाती है, जी सूबाई खुद मुख्तारी जब होती है तो जाहिर है कि हम लोग अगर उसके ऊपर इम्पोज करेंगे तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। वो हमारे व्यूज से, हमारे आइडिया से, जो हम बेहतर कौम के बेहतर मुफाद में ले रहे हैं उससे वो एग्री नहीं कर रहे। उनका ख्याल है कि बहुत ज्यादा हमें टाइट लॉकडाउन कर देना चाहिए। उन्होंने टाइट लॉकडाउन किया विदाउट प्रोवाइडिंग देम फूड। पंजाब ने क्यों शुरू किया, विदाउट पख्तूनख्वा ने क्यों शुरू किया, देखिए वो भी 18th अमेंडमेंट के अंडर ही उन्होंने अपने फैसले किए। मैं वही कह रही हूँ आपको कि उन्होंने अपने फैसले किए हैं, लेकिन उन्होंने उसमें उनको बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। यहाँ पे इन लोगों ने ये राशन प्रोवाइड करने से पहले इन लोगों ने लॉकडाउन कर दिया। लोग जो है उनकी चीखें निकाल दी हैं इन लोगों ने। इनको ये नहीं हुआ कि इनको इन्होंने प्रॉमिस किया था कि इन्होंने कहा था 20 लाख खानदानों को ये राशन देखना, 20 लोगों को राशन नहीं दिया। जो दिया इन्होंने कमिश्नर के थ्रू रात के अंधेरे में दिया, पता नहीं, वो भी ये लोग कहते हैं कि इन्होंने दिया कोई 2.5 लाख मेरा। आप क्या सोचिए कि 2.5 करोड़ की कराची के शहर के अंदर क्या इतना राशन देना क्या इंसाफ पे मबनी बात है? वो डीसीज के थ्रू दिया ना, गवर्नमेंट के थ्रू दिया ना डीसीज भी, और पता नहीं दिया भी कि नहीं, इतना भी नहीं दिया, हमें तो ये भी नहीं पता। आज 18वीं तरमीम की बात मैं आपके साथ ये करना चाहती हूँ कि 18वीं तरमीम के ऊपर ये हमेशा से, अगर 18वीं तरमीम इतनी अच्छी थी तो क्या इन्होंने पानी साफ प्रोवाइड किया सिंध में? 18वीं तरमीम में हम लोग आज भी मिनरल वाटर पीते हैं क्या? गवर्नमेंट के स्कूल इतने अच्छे हैं? अगर गवर्नमेंट के स्कूल इतने अच्छे होते तो हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे होते, प्राइवेट स्कूल्स में ना पढ़ रहे होते। मसला क्या है? इसलिए कि ये कैपेबल ही नहीं है गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इन इदारों को चलाने के लिए। पीपल्स पार्टी में मसला है, 18वीं तरमीम में मसला है मेरा ख्याल है। 18वीं तरमीम में क्या, अगर आप आम में देखें आपके पास इतनी मेजोरिटी नहीं है, 2/3 मेजोरिटी। हाँ तो ये तो देखें सिंपल सी बात है, अगर 2/3 मेजोरिटी एक्सेप्ट करती है तो फिर हो जाएगी चेंज। नहीं, 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 में आपके, अगर आपके असद उमर साहब ने कहा है कि इसमें ये थोड़ी है कि हम इसको रोल बैक नहीं करना चाहते। देखें इसमें ये थोड़ी है कि 18वीं तरमीम हम इम्पोज कर देंगे कि हमने ये चेंजेस लानी है, 18वीं तरमीम खत्म करनी है और वो खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आपके? देखिए दो टेक्निकल पॉइंट्स हैं। एक चीज ये है कि 18th अमेंडमेंट की भी मैं बात करूंगी। पहली ये है, मेरे कहने का मकसद ये था, मेरी बहन ने शायद उसको मिसअंडरस्टैंड किया है कि जब ये कोरोना का मसला सिर्फ ये किसी सूबे का नहीं था, ये पूरे मुल्क का, पूरी दुनिया का मसला था। वज़ीर आज़म साहब को चाहिए था कि फौरन चारों वज़रा आला को बुलाते और इनसे एक कंसेंसस के साथ एक नेशनल पॉलिसी जो है वो उसको फ्रेम कर देते। उसके बाद दूसरी, जो हम 18th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए 18th अमेंडमेंट में कोई बुराई नहीं है, एक चीज़ उसमें बात यह है कि 18th अमेंडमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको मनोअन उन पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ये नहीं होता। जिसकी वजह से जब आपको 18th अमेंडमेंट तरह पढ़ लें, जब आपको समझ आ जाए तो फिर उस पर डिस्कस करें ना। देखिए सूबे को आपको सूबे को मुतारी, जिस तरह आप जब ये बात करते हैं कि एनएफसी अवार्ड की बात करते हैं कि हेल्थ उनके कंट्रोल में नहीं है, एजुकेशन उनके कंट्रोल में नहीं, प्रॉब्लम ये है, सफाई सुथराई, ये मसला है सारा, सैनिटेशन का सारा कुछ, या वजीर आला खुद अपने फैसले खुद कर रहा है, वफाक के कंट्रोल में नहीं, या ये मसला है? जी आप जो हकीकत तो ये है जिसपे बड़ी है कि जो हमारे वजीर आला साहब जो हैं, जब हमारे वजीर आजम साहब यहाँ आते हैं तो उनसे बात नहीं करते। तो कोरोना तो फिर बहुत दूर की बात हो गई ना, तो फिर उन्होंने अपने फैसले खुद कर लिए, क्योंकि सूबे को तो चलाना है, लोगों को मारना नहीं है। बात सिर्फ ये है कि वापस उसी पॉइंट पे आएंगे कि आपको एक मैच्योर पॉलिसी जो है इख्तियार करनी पड़ेगी। आपको सूबों को और मरकज़ को एक पेज पे आना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, चाहे सूबा अपने पॉलिसीज बनाए, चाहे मरकज़ अपनी पॉलिसीज बनाए, आपका डिज़ास्टर होगा, आपको ये करना है। दूसरा, एहसास प्रोग्राम की बात करूं कि 12,000 की वो जो भी एक शिक थी, मेरी नॉलेज में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको वो मिला हो। मैंने बहुत से लोग, क्योंकि हम भी एक सियासी वर्कर हैं, हमारे कॉन्टेक्ट में बहुत से लोग होते हैं जितने, हाँ फ़ोन ज़रूर आया, मैसेज ज़रूर आया जब वो वहाँ गए, तो उन पे या तो उनको कह रहे हैं कि मिले हैं लोगों को, कुछ लोगों को मिले, कुछ लोग, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसमें मैं कोई बुराई नहीं,
लेकिन बात यह है कि उसकी चूंकि करप्शन इतनी अरूज पे है कि वो चीज़ें करप्शन के नज़र हो जाती हैं और उसका जो असल जो चीज़ है वो फौत हो जाती है। काफी क्योंकि वो एक वो अच्छा प्रोग्राम है इनका, प्रोग्राम नो डाउट, मैं ये कह रही हूँ कि प्रोग्राम अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी मौजूद है, उसका थंबप्रिंट लिए जाते हैं, उसमें कई लोगों को इतना इशू जरूर आया कि क्राउड इन्होंने ज्यादा किया। हाँ, ये उसके ऊपर लोगों को थोड़ा सा ये कर लें, खवातीन को लिया है इनका सर, ये कर लें। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा जो टाइगर फोर्स की बात की है, हमने तो उसमें सियासत आ जाती है, जो टाइगर लफ्ज इस्तेमाल किया है उसके ऊपर जो एजेंडा है हमारे, वो सियासी एजेंडा। हमारे जो चेयरमैन साहब सैयद मुस्तफा कमाल साहब, उन्होंने डे वन जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी आप हमारे वर्कर्स ले लीजिए, हम देने को रजा कराना तौर पर काम करने को तैयार है, इस वक्त सियासत ना करें, इस वक्त सिर्फ ये देखें कि आपने 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 पाकिस्तानी फोर्स कर दें। चलिए टाइगर में क्या मसला है, कोई दूसरा लव, लेकिन हमें तो इसे आप काम करें ना, काम करें और जो आपके पास ऑलरेडी टूल्स मौजूद हैं उनसे आप काम, ये बीमारी ऐसी आप किस तरह बचा, आप देखें ना, आप जो है ना डॉक्टर्स को नहीं बचा सकते, इमरान खान का नाम तो नहीं रखा ना, या आप टाइगर नहीं, इमरान खान का नाम तो नहीं रखा ना उसमें, इमरान खान फोर्स, इट्स अ टाइगर फोर्स, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज आपसे फिजा, देखें आप प्रेसिडेंट हैं, आप मुझे बताएं, एक आप जो है ना आपका एक रोल है, आप इस चीजों को सीरियस क्यों नहीं ले रहे, आप ऐसी ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं, कभी आपके वुजरा आ जाते हैं ऐसे अटैक करते हैं सिंध के ऊपर आके, कभी आप ऐसी चीजें करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, ये ऐसी वबा है, ऐसी बीमारी, हम जंग में, ये जंग में, वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर, ऐसी चीजें हमें सीरियस होना पड़ेगा। देखें लॉकडाउन इज अ डिले, इट्स नॉट अ सोल्यूशन, ये कोई हल नहीं है किसी भी चीज का, ये एक डिले तो हो सकता है और हमें इसका हल निकालना इसी तरह पड़ेगा, और यही खान साहब भी कह रहे हैं कि हमें निकलना है, हमें अपने इदारों को भी दोबारा से ऑपरेट करना है, हमें जिंदगी को शुरू करना है दोबारा से, क्योंकि इस तरह तो भूख और अफलास से मर जाएंगे लोग, हम लोगों को शुरू करना है लेकिन पूरे एसओपीज के साथ शुरू करना है, और उसमें बिल्कुल उनकी सही स्टांस है, और इनको भी ये करना पड़ेगा, इनको ये बजाय इसके कि सॉरी अगर इतनी तारीफें, मैं समझी कि पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर इतनी तारीफ करनी थी कि वजीर आला एक दिन तो खड़े होकर हाथ जोड़ रहे हैं और रो रहे हैं और अगले दिन 1.5 करोड़ रुपया अपने घर की उसके तजीनो आराइश के लिए निकलवा रहे हैं, मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा खुला तजाद है कि कैसे आप एक वक्त में कह रहे हैं कि खुदा के लिए लोगों के लिए कुछ सोचे खुदा, और आपकी जो जो अयाशियां वो आपकी खत्म नहीं हो रही, वो वहीं की वहीं है, ये एक रुपया भी नहीं लगना चाहिए, सब तारीफ कर रहे हैं, यहां से नहीं बाहर से भी लोग तारीफ कर रहे हैं, तो जब ऐसे लोग तारीफ कर रहे हैं जी, WHO ने तारीफ किया इधर के बहुत अच्छे तरीके से ये लोग, कोरोना का इनका प्लान बहुत जबरदस्त है, देखिए पल पल बदलती सिचुएशन है, मेरे ख्याल में कि इतना ज्यादा बुरा हाल नहीं है जितना बाकी ममालिक में, अगर आप अल्लाह करे और खत्म हो जाए, रहम करे, मैं वही तो कह रहा हूं, तो बजाय इसके कि इस पे आप लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें, इसमें आपस में बिल्कुल जुड़े हैं, जुड़ के इस चीज के ऊपर काम करें, जिम्मेदारी है ना वजीर आजम के ऊपर, हम लोग तो कहते हैं, उनको हम लोग तो कहते हैं, लेकिन उनको अमेंडमेंट की मुसीबत है, यही तो लीडिंग लीड आप करें ना, बिल्कुल लीड कर रहे हैं, वफाकी गवर्नमेंट, आपका क्या ख्याल है, आपने सिंध के नुमाइंदों को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, आपका ख्याल है इन चीजों में उनकी मशावरत नहीं शामिल की गई, तो ये बिल्कुल आपकी गलत बात है। आप क्या कहें डॉक्टर साहब, आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स? देखिए बस क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि जो कोरोना है वो हमने पहले भी बात की कि इसे डरे नहीं, इससे लड़ना है ना हमें, तो लड़ने के लिए जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी, जब तक कि आप प्रॉपर स्ट्रेटजी पे काम नहीं करेंगे, आप इससे लड़ नहीं सकते। वफाक को लीडिंग रोल अदा करना चाहिए, वफाक को तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और खुदारा इस पर सियासत मत करें, हम सब काम करने को तैयार हैं, अबव किसी भी, हम किसी मज़हब, किसी रंग, नस्ल, किसी पार्टी से कोई भी ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो शख्स काम करना चाह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब को उसको वेलकम करना चाहिए, और इस वक्त जो है हम ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम जो है एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट्स स्कोरिंग करें, पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग करें, मिलके काम करें। ठीक है, बड़ी मेहरबानी फिदा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, सब आपकी बड़ी मेहरबानी, इन्हें संग्रह इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।